कल फिर होगी कैबिनेट बैठक। ओल्ड पेंशन के साथ स्कूल डी नोटिफाई करने पर चर्चा संभव। बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक करने के एक दिन बाद ही शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दोबारा कैबिनेट बैठक बुला ली है। 3 मार्च को कैबिनेट की बैठक दोपहर 12 बजे राज्य सचिवालय में होगी। शायद मुंबई दौरे के कारण इस बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन सिंह चौहान शामिल ना हो पाए। बजट सत्र से पहले सरकारी फाइलों पर चल रहे बहुत से मामले बुधवार की कैबिनेट में ही लग पाए हैं। एनपीएस कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन की एसओपी जारी होने का इंतजार था, लेकिन ये मामला भी बुधवार को नहीं लग पाया। अब ये मामला कल होने वाली कैबिनेट बैठक में जा सकता है। बैठक में नए खोले गए डिग्री कॉलेजों का मामला तो गया था, लेकिन जयराम सरकार के आखिरी समय में खोले गए सरकारी स्कूलों का केस अब शुक्रवार की कैबिनेट में भेजा जा रहा है। इसलिए 3 मार्च को होने वाली कैबिनेट की बैठक में ओल्ड पेंशन से संबंधित चर्चा भी हो सकती है। हालांकि ये मुख्यमंत्री के पहले बजट की अहम घोषणा रहने वाली है। इससे एक बात तो तय हो गई है कि एनपीएस कंट्रीब्यूशन की कटौती अब 31 मार्च तक अवधि में होती रहेगी। राज्य सरकार की ओर से 1,00,000 सरकारी नौकरियों को लेकर बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी की बैठक भी बजट सत्र से पहले होगी। बजट सत्र 14 मार्च से शुरू हो रहा है। इस कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह चौहान ने बताया कि पहली बैठक में सभी विभागों से वैकेंसी पोजीशन मांगी गई थी, जो अभी नहीं मिली है। वह जल्द ही इस बारे में अपडेट लेंगे और इसके बाद कैबिनेट सब कमेटी की दूसरी बैठक होगी। वहीं दूसरी ओर ओल्ड पेंशन को लेकर पिछले दिन कैबिनेट में चर्चा जरूर हुई, लेकिन बहुत से नियमों पर सरकार की सहमति नहीं थी। सरकार ने उसे दोबारा से स्टडी करने को कहा है और उसे जल्द फाइनल करने को कहा है। वहीं बात करें झारखंड की, तो पिछले दिन 28 फरवरी को एक नई नोटिफिकेशन जारी हुई है, जिसमें ओल्ड पेंशन के लिए कुछ नए नियम दिए गए हैं। इन नियमों को भी वित्त विभाग स्टडी कर रहा है। इसके बाद ही एसओपी को वित्त विभाग अंतिम रूप देगा और उसके बाद ये मामला कैबिनेट में जा सकता है।